हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरे वीडियो अगेन रिव्यू प्लस डेमो वीडियो है। तो वीडियो में जाने से पहले वीडियो अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइटल से तो आपने पता लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। सो मैं बात करने वाली हूँ हिमालय के फेस वॉशेस के बारे में, जो कि मैं पिछले 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने ये 4 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपसे इन 4 फेस वॉशेस के बारे में बात करूँगी कि मुझे इनमें से कौन सा फेस वॉश जो है वो अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा यूज़ करने में। सो मुझे जो इन 4ों में से सबसे अच्छा फेस वॉश लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी स्किन के लिए काम कर गया, वो है ये वाला फेस वॉश, जो कि मेरी 3rd पैकेजिंग है। मैंने आपको बताया ये है हिमालय 10 रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश, और मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करूँगी। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, जो कि नॉर्मल हिमालय के फेस वॉशेस की होती हैं या किसी और फेस वॉश की पैकेजिंग होती है। इसमें जो क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी 50 ml है। इसका MRP है 70 rupees। सो ये छोटी वाली पैकेजिंग है, इसमें बड़ी पैकेजिंग भी आती है। अगर आप बड़ी वाली बाय करना चाहते हैं तो आप बड़ी वाली बाय कर सकते हो। ये मैंने नायका से ऑर्डर करवाया था फेस वॉश। सो ये आपको नॉर्मल किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। सो इसकी बैक साइड यहाँ पर सब कुछ मैंशन किया हुआ है। इसमें ऑरेंज पील डले हैं, हनी डला है, पेपेन डली है, जो कि आपको टैन रिमूवल में हेल्पफुल है। ये आपकी स्किन को स्मूदन करेगा और रिमूव करेगा डेड स्किन सेल्स को, एंड ऑल्सो ये एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि जो पेपेन इसमें डला है वो एक्सफोलिएशन के लिए भी और साथ ही साथ टैन रिमूवल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो जो ऑरेंज पील है वो इम्प्रूव करेगा आपकी स्किन टोन को, एंड जो हनी है वो आपको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाएगा आपकी स्किन को। सो इसमें ये 3 चीज़ें डली हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मेरी स्किन के लिए इसने किस तरह से काम किया है। तो मेरी स्किन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कि मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है, ड्राई प्लस ऑयली दोनों तरह की है। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस फेस वॉश को यूज़ किया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको रिमूव नहीं करता है, बट जो एक्सेसिव ऑयल होगा उसको ये रिमूव करेगा, बट आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसको रिमूव नहीं करेगा। सो बहुत ज़्यादा ड्राई आपको आपकी स्किन नहीं लगेगी। और कई फेस वॉशेज होते हैं जिनसे आपकी स्किन थोड़ी स्ट्रेची सी लगती है, उस तरह की भी ये आपको फीलिंग नहीं देगा। सो अब मैं बात करती हूँ जो इन्होंने क्लेम किया है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये टैन रिमूव करता है। सो अगर टैन रिमूवल के अगर मैं बात करूँ तो उसका मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर में जाना नहीं हुआ जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बट डेफिनेटली मैंने अपनी स्किन में एक चेंज देखा है इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद। मुझे मेरी स्किन क्लियर सी लगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगी, बिल्कुल भी ना ज़्यादा ऑयली सी लगी ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो ये एक ऑरेंज फेस वॉश है जो कि लिखा हुआ है, तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो नेचुरली ही ऑरेंज की तरह होगी। जो बचपन में हम ऑरेंज कैंडीज जो खाते थे उसकी तरह इसकी फ्रेग्रेंस है। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये वाली जो है ये छोटी पैकेजिंग है, तो इसका प्राइस जो है वो है 70 rupees। तो इसमें आपको छोटी पैकेजिंग भी मिल रही है। अगर आप पहले यूज़ करके देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से आपकी स्किन के लिए वर्क करेगा, सो आप इसकी छोटी पैकेजिंग जो है वो बाय कर सकते हो। सो इसकी जो बड़ी पैकेजिंग है उसका प्राइस है 140 rupees, और जो छोटी पैकेजिंग है उसमें ये क्वांटिटी जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है 50 ml, और बड़ी वाली पैकेजिंग में जो ये क्वांटिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है 100 ml। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्किन टाइप की, कि कौन से स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपके कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है मेरी स्किन के जैसे तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इस फेस वॉश को यूज़ कर रहे हो सो आपके रिव्यूज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो चलिए अब इसका डेमो पार्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं कॉटन पैड पे मेकअप रिमूवर लेके जो भी फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप लगा है उसको रिमूव कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इस फेस वॉश का यूज़ करूँगी। सो मैंने जैसा कि आपको बताया, फेस वॉश की 1 या 2 ड्रॉप जो है वो इनफ है पूरे फेस के लिए। तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और ये ज़्यादा लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। सो
ऐसा ना सोचें कि ये फेस पे लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है तो फेस को क्लीन नहीं करेगा, बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन भी करेगा। और इसको यूज़ करने के बाद आप स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी सी आपको अपनी स्किन लगेगी। सो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।